सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अल्बर्ट एंड आई एम बैक अगेन विद न्यू अनदर वीडियो। कुछ भी बात शुरू करने से पहले आज थोड़ा मुझे कोल्ड है, तो वीडियो मैं प्रॉपर वो तो करूँगा, एंटरटेन करने की आपको कोशिश ज़रूर करूँगा। और जैसे कि आज मैं हूँ कर्नाटक में, कर्नाटक में नागापट्टनम से हम आए वेलागनी, यानी कर्नाटक में ये चर्च बहुत ही फेमस है। टिकट हमको मिल चुकी है, ओके 24 आवर्स का हमको चार्ज लगा है 450 रुपीज़, ओके बेस्ट है। अभी हम जाएंगे रूम में और तुमको रूम दिखा दूंगा कि हमको रूम किस तरह का मिला है। इधर जो कि आप होटल के रूम्स देखोगे तो इधर जो नाम दिए वो भी सेंट लोगों के नाम है, देख पा रहे होगे ये जितने, ये सब पूरी होटल्स रूम ही है, ओके ये सब जगह रूम्स ही है। मुझे कुछ दिखा है उधर, आपको दिख रहा है उधर बड़े से जीजा से, देखो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ओके उधर जीजस क्राइस्ट का बहुत बड़ा स्टैचू है, तो उधर भी जाके मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। होप आप लोग बहुत एंजॉय करोगे मेरे साथ। इधर का बेस्ट पार्ट ये भी है, अगर आपने रेंट पे रूम भी ले लिया उसके बाद आपको ये सब जो बर्तन दिख रहे होंगे ये भी आप रेंट पे ले सकते हो, ओके स्टोव है, गैस है, व्हाटएवर, आपको सब कुछ रेंट पे मिल जाएगा इधर, ओके। बाहर लोग इधर से सामान ले लेते, सब्जी मिलती है, सब कुछ, यानी खाना बनाने का सब सामान भी मिल जाता है। तो अभी हम भी चलते हैं हमारे रूम में और देख लेते हैं हमारे पहला रूम की मिल जाए उसके बाद। जैसे कि हमको अभी रूम की चाबी मिल चुकी है, दिखाओ, ओके ये रूम की है, अभी जाते हैं अपने रूम में। Okay, I think इसके सिद्धान में होगी, ओके 147, 145, 144, 146, ओके 143, 142 और फाइनली हमारा रूम मिल चुका है, क्या बोलते हैं 141। ओके तो आप रूम देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इधर वॉश बेसिन है और इधर स्पेशली 3 बेड्स है, वाव हमारे 3 जन के 3 बेड्स, ओके और टेबल चेयर, वॉशरूम देख लो उगले, और ये है हमारा पूरा रूम। हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है, जैसे कि अभी 11 बजे को इधर रूम पे पहुँचे और कल सुबह 11 बजे को हमको निकल लेके आए, तो फिलहाल हम अभी रूम पे आए, अभी हम डायरेक्ट जाएंगे बीच पे, ओके तो जैसे चलते बीच पे। तो हमने किसी ने स्लीपर नहीं पहने क्योंकि अभी उधर बीच पे जाने का है, तो अंदर बीच के अंदर क्या चप्पल पहन के नहाने का ऐसा करके, फिर उधर से डायरेक्ट हम चर्च में जाएंगे, तो अभी हम जा रहे हैं। जैसे कि पब्लिक मेरे फ़ोन में चार्जिंग बहुत कम है, तो डायरेक्ट अभी मैं बीच पे जाके ही फ़ोन ऑन करूँगा। ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होगे ये सब सेल में, ओके 10-10 रुपीज़, 20-20 रुपीज़, ओके तो हम पहले बीच में नहा के आते, उसके बाद हम भी इधर से थोड़ा कुछ शॉपिंग करूँगा मैं। फाइनली हम बीच पास पहुँच चुके होंगे, आप देख पा रहे होगे पूरा पानी है, आई एम सो एक्साइटेड, अब डायरेक्ट इधर से जाके डुबकी लगानी है मुझे, ओके मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही चले जाऊंगा ऐसा लग रहा है बीच में। बस बीच क्या बोल
जैसे आप लोग अभी चौंक गए होंगे, डायरेक्ट मॉर्निंग को मेरा चल रहा था वीडियो, अभी डायरेक्ट नाइट में कैसे आ गए। तो हुआ यू कि जैसे हम बीच पे पहुँचे थे ओके, उधर नहाए वहाए तो टोटली मेरी तबीयत ज़्यादा कुछ ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद डायरेक्ट मैं सो गया था। तो मम्मी डैडी लोग चर्च में गए थे और मैं टोटली अभी निकला हूँ। अभी थोड़ी हम उधर इधर शॉपिंग कर लेते ओके, तो हम देखते हैं अभी इधर से हम क्या शॉप करते। अब एक एक चर्च देखोगे पीछे से इतने मस्त लुक दिखाई दे रहे सबके। हम एंड में आ गए बीच पास ओके, हमने सोचा पहला घूम लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे। वाओ, वो देख रहे छोटे से बुद्ध स्टैचू, दस शहल के ऊपर भी नाम लिखाते हो ओके, ये आप देख पा रहे हो। जैसे कि मैं इधर आया था और मुझे ये क्या बोलते हैं व्हाइट माला दिखी, जो अपने बड़ौदा में मैंने काफ़ी ढूंढी और ये मुझे नहीं मिली। तो जैसे कि ये माला मुझे पसंद आई तो अपने क्या कर सकते हैं पता है, इसको ओपन करके ये वाला जो पेंडल है उसको निकाल के अपने, पता है ये बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही है, तो फाइनली मुझे ये चीज़ ही मिल गई इधर ओके। फाइनली हमने 1500 से 950 में करा दिया ओके ओके। ये स्टैचू अभी हम जा रहे हैं घर पर लेके। बहुत टाइम हो गया शॉपिंग करते करते ओके, तो हमने स्टैचूज लिए, इधर के कुछ बर्तन लिए ओके, इधर के कुछ स्पेशल टाइप्स के अलग अलग स्टाइल्स के बर्तन होते हैं, और सब रोजरी यानी जीजस की गले में पहनने वाली सी जो माला होती है वो ली, और भी सब बहुत कुछ लिया हमने। पब्लिक आप इधर देख पा रहे होंगे, ये एक चर्च है जिधर रेत पे घुटनों के बल चल के लोग ठेक, वो सामने चर्च दिख रहा होगा ओके, उधर भी आपको मैं लेके जाऊंगा। तो इधर सब आप देख रहे होंगे सब घुटन से जा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे ओके, तो इधर ऐसी मान्यता है कि इधर अपने कॉइन डाले ना, यानी इस इतनी प्लेस है ओके, इधर इतनी प्लेस में से अपने कॉइन डालने का, तो इधर फिर ये मिरर है ना, तो इसके अंदर से आपको, ये इधर जाली लगाई हुई है तो इसके अंदर से आपको मदर मैरी का फेस देख सकता है। आप देख पा रहे होंगे ये सब उसी तरह से देख रहे ओके, ये चर्च के एग्जैक्ट सामने रखा है ये चीज़, और दिखता भी है ऐसा मानना है क्योंकि मदर मैरी का फेस। सो फाइनली गाइस ये व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ। होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और ये व्लॉग मैं करता हूँ इधर ही एंड। थैंक यू।